सीएनजी की बढ़ती कीमतों से परेशान ओला उबर ऑटो टैक्सी की आज से दिल्ली में हड़ताल, 10,000 आरटीवी के चक्कों पर भी ब्रेक। नमस्कार, बिग हेडलाइंस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भूमिका। और अब बात सीएनजी के बढ़ते दामों से जुड़ी। दिल्ली में ऑटो टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने सोमवार यानी कि आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी किए जाने की मांग कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ की इकाई दिल्ली ऑटो एंड टैक्सी एसोसिएशन ने 18 और 19 अप्रैल को दिल्ली में हड़ताल की घोषणा की है। उनका दावा है कि इन दो दिनों में बड़ी संख्या में ऑटो और कैब दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतरेंगे। वहीं दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ने कहा कि वे सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेगी। दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा किए जाने के बावजूद संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने कहा, ईंधन की कीमतों में कमी और किराए में संशोधन कर हमारी मदद के लिए सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने पर हमने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। वहीं आपको बताएं सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो टैक्सी और कैब चालकों ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार कोई समिति बना रही है, लेकिन हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए जो नजर नहीं आ रहा है। हमारी मांग है कि सरकार यानी कि केंद्र और दिल्ली सीएनजी की कीमतों पर 35 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी प्रदान करे। लगातार बढ़ती सीएनजी की कीमतों पर आपकी क्या टिप्पणी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक लिए हमारे चैनल बिग हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें।